इस प्रोग्राम में दिखाए गए लोगों पर इंटरनेशनल स्मगलिंग के चार्जेस लगे हैं। गुनाह साबित होने तक वो बेकसूर माने जाएंगे। दर्शक अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैगेज पर नजर रखने वाला ऑफिसर शिकारी के जैसा होता है, हमेशा सामान पर नजर रहती है। हम ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जो सस्पिशियस हों, या कभी कभी हम रैंडम चेक भी करते हैं। तो चलिए अब वही करते हैं। कैसी हैं आप? पासपोर्ट देख सकता हूं? जरूर। हम लोग बहुत सारे बैग्स की तलाशी लेते हैं, ज्यादातर में कुछ नहीं होता। ठीक है, हम जरा आपके बैग की तलाशी लेना चाहेंगे। ठीक है। ये लेडी अकेली थी लेकिन इसके पास बैग्स बहुत थे, तो हमने सोचा चलो देखते हैं क्या मामला है। ठीक है, इसको रख दीजिए। ठीक है, ये मेरी आंटी के लिए, नहीं अंकल के लिए। जब मेरे अंकल आएंगे तो ये सारा सामान ले जाएंगे। तो ये आपका बैग है या नहीं? नहीं। जब लोग कहते हैं ये मेरा बैग नहीं है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हम सोचते हैं पता नहीं इस बैग में क्या हो। ये सब मेरे अंकल का है। आपके अंकल का नाम क्या है? नाम बताइए। मुझे नहीं पता। आपके अंकल का नाम क्या है? मैं भूल गई। आप भूल गई? मेरी कजिन, उनकी वाइफ मेरी कजिन है। तो ये कजिन के हस्बैंड का है? हाँ। तो उनकी वाइफ आकर बैग ले जाएगी? नहीं, हस्बैंड आएंगे। हस्बैंड आएंगे? ठीक है। उन्होंने आपको बैग दे दिया कि आपने इसे खोलकर देखा कि इसमें क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने इसके अंदर क्या रखा। आप किसी और का बैग क्यों लाई हैं? ये आपका बैग नहीं था तो आपको लेना नहीं चाहिए था। आपको पता नहीं कि इसमें क्या है? ये सब क्या है? इतना सामान और ये क्या है? तरबूज है क्या? मुझे नहीं मालूम। ये तो कोई अजीब सा लिक्विड है। ये क्या? इसका भी पता नहीं होगा आपको? कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? क्या है ये? ये क्या है? नारकोटिक्स, ड्रग्स, जानती हो ये क्या है? नहीं। तुम्हें नहीं पता ये क्या है? ये तो कोकेन की तरह लग रही है। तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। इसे टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। मशीन एनालाइज कर रही है। स्टार्च, बेबी पाउडर और कौन से निकला? डेक्सट्रिन। ओके, ठीक है। या अगर ये कोकेन होती तो मशीन बता देती। टेस्ट में ये चीज नेगेटिव निकली है, लेकिन इस लेडी के पास काफी सामान है। ठीक है, और क्या आपके पास? अगला बैग यहां रखिए, इधर रख दीजिए। मायामी, फ्लोरिडा। कैरिबियन के नजदीक होने की वजह से फ्लोरिडा में ज्यादातर कोकेन समुद्र के रास्ते दाखिल होती है। हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो। 2019 में 3 महीने के दौरान कैरिबियन से आने वाले वेसल से 12,000 किलो से भी ज्यादा कोकेन जब्त की गई। चलो बाहर निकलो, चलो बाहर आओ। ओह, ये बोट तो भरी पड़ी है। फिलहाल हम HSI मायामी मरीन स्मगलिंग ग्रुप के सुपरवाइजर के साथ एक ब्रीफिंग के लिए जा रहे हैं। सी पोर्ट पर उनका ग्रुप और एयरपोर्ट पर हमारा ग्रुप मिलकर क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए काम करते हैं जो पूरे मायामी पोर्ट सिस्टम में चल रही होती है। हम एक केस के बारे में बात करेंगे जिसमें उनकी टीम ने एक यॉट को जब्त किया है जिसका इस्तेमाल कोकेन की बड़ी मात्रा को स्मगल करने के लिए हो रहा था। ये वो 3 वेसल्स हैं जो हमने जब्त किए, हाल ही में इसे पकड़ा।
साउथ फ्लोरिडा एक बोटिंग कम्युनिटी है, यहाँ पर बहुत सारी बोट्स हैं, तो इस ट्रैफिक को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ काफी ट्रेड होता है और डोमिनिकन रिपब्लिक और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच काफी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज चलती रहती है। यहाँ यॉट्स, सेलिंग वेसल्स आते जाते रहते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेवल करने वालों की आड़ में अपना गैर कानूनी धंधा चलाते रहते हैं। हमने इस वेसल को डोमिनिकन रिपब्लिक से फोर्ट लॉडरडेल में आते हुए देखा था। हमने इसकी तलाशी ली तो इसमें कोकेन से भरे 5 डफल बैग्स मिले जो यहाँ सैलॉन एरिया में थे, और इसके अलावा यहाँ नीचे भी और कोकेन थी। ये सब इस बेड पर रखे हुए थे। इन लोगों ने इस बेड के पीछे वाले हिस्से का भी इस्तेमाल किया। अच्छा, कोकेन यहाँ पर रखी हुई थी। कोकेन का कुल वजन था 456 किलोग्राम और दाम 1,02,75,00,000 रुपए। हमें यहाँ पर कुछ और भी एविडेंस मिले। हमारे प्रिंसिपल डिफेंडेंट्स में से एक इस ट्रिप के दौरान यहाँ सो रहा था, उसके पास करीब 3 करोड़ कैश मिला। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये कोकेन ट्रांसफर समुद्र में ही करते हैं। ये उसे डीआर वाली बोट से इस बोट में लाते हैं, फिर ये चोरी छुपे बहामास पहुंचते हैं, फ्यूल के लिए रुकते हैं और फिर अमेरिका में घुस जाते हैं। इस बोट में कितने लोग थे? 4 लोगों को कस्टडी में लिया गया, 2 को गिरफ्तार किया गया। उस रात कैप्टन उस बोट पर था, लेकिन क्योंकि एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे तो हमने उसे छोड़ दिया। इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कल का हमारा ये प्लान है कि हम उसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। हम उसका घर से निकलने का इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि ऐसा मौका नहीं आएगा कि गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करने के दौरान हमें उसे पकड़ना पड़े। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीबीपी हेती से आ रही इस पैसेंजर के बैग की तलाशी जारी रखती है। ये क्या है? मुझे याद नहीं। आपने क्या पैक किया ये भी भूल गई? कॉफी। हाँ हाँ। और ये क्या है? ये मेरी दवाइयां हैं। किस लिए? सिरदर्द? ये दवाइयां हैं सिरदर्द के लिए। अच्छा, हाँ, दर्द के लिए। हाँ। चलिए ठीक है, सामान अंदर रख लीजिए। इसमें भी काफी सामान है। क्या है ये? क्या है ये? दवाइयां हैं। इतनी सारी दवाइयां आखिर हैं किस लिए? आपके दोस्त की फार्मेसी है क्या? क्या उसका कोई स्टोर है? मुझे नहीं पता। वो कोई डॉक्टर है? ये दोस्त करता क्या है आपका? डॉक्टर नहीं है। इसमें भी पिल्स हैं। ये क्या है? ये है डोलो स्टॉप। ये तो कोई थेरेपी लिक्विड है। इनका बैग तो चलते फिरते फार्मेसी लग रहा है। लोग इसे किस लिए यूज करते हैं? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या है? इसके बारे में पता है? कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं है ना? मैं नहीं जानती। इन्हें कुछ पता नहीं है या ये बता नहीं रही है? ये जहर वगैरह भी हो सकता है वैसे। पहला इशू ये है कि इन्होंने ये सामान डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। एक दो चीजें पर्सनल यूज के लिए होती हैं, ये तो 50 से भी ज्यादा हैं। दूसरा, इन्हें ये नहीं पता कि ये क्या है और हमें भी नहीं पता। जरा पिल्स देखिए, पता नहीं क्या है। ये भी पता नहीं क्या है। इतनी सारी मेडिसिन को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो इन चीजों को FDA को दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये मुझे दीजिए, इसे हम रखेंगे। अब हम ये सब जब्त कर रहे हैं। FDA बताएगा कि ये चीजें ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं हुई तो इन्हें सीज करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मुझे मेरे मन ने कहा कि इन्हें रोककर पूछताछ की जाए और नतीजा अच्छा निकला। हम ऐसी चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे देश में लाने की इजाजत नहीं है, और इनके पास तो काफी थी। तो अब हम आपको रिलीज कर रहे हैं। अच्छा। तो अगली बार होशियार रहिएगा कि आप क्या लेकर आ रही हैं। ओके? लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कोई चीज ना लाएं जो उनकी अपनी ना हो या फिर जिसके बारे में उन्हें पता ना हो, क्योंकि ऐसी चीजें नारकोटिक्स, ड्रग्स या वेपन्स हो सकते हैं। इसलिए ऐसा ना करें। बचाव ही सुरक्षा है। होमस्टेड, फ्लोरिडा। HSI यॉट कैप्टन को कोकेन स्मगलिंग के शक में गिरफ्तार करने की तैयारी में है। हम एक अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एक स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन में खोजबीन हुई, इस आदमी से वहीं पूछताछ की गई। ये उस यॉट का कैप्टन है जो 456 किलो कोकेन लेकर मायामी में दाखिल हुई। हमने इसकी गिरफ्तारी के लिए एक वारंट हासिल किया है और सुबह हम उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आप लोगों को यहाँ इस कोने में रहना है। ओके। और इस घर पर सीधे नजर रखनी है। हम यहाँ इस सड़क के आखिर में होंगे, नॉर्थ को फेस करते हुए। हम जब उसे दबोच लेंगे तो तुम घर पर आ जाना हमारी मदद करने के लिए। घर पर और कौन कौन हो सकता है? उसका बेटा। मैं सुबह जब आया तो शायद उसकी वाइफ काम पर जा रही थी।
और कल यहाँ एक और शख्स भी था, पता नहीं कौन था वो। वो तो मुझे कोई बाहर का आदमी लग रहा था। अगर वो कार में बैठकर भागता है तो उसे इस सड़क से निकलने नहीं देना है, ठीक है? तो अब लोकेशन की तरफ चलते हैं। हाँ चलो। हमारे पास उसे गिरफ्तार करने के वारंट्स हैं, लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है क्योंकि पता नहीं वहाँ क्या हो। इस केस में ये उस शख्स का घर है। उसके घर की पहले निगरानी की गई तो पता चला कि सुबह 10 या 10:30 के आसपास ही घर से निकलता है। तो हम उसके घर से निकलने का इंतजार करेंगे, इससे उसके घर में घुसने और उसे दबोचने से जुड़ा खतरा घट जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम उस शख्स के घर वाली सड़क पर हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, हर कोई पोजीशन ले रहा है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा पल्ला भारी रहे। आज हमारे साथ यहाँ पर 6 ऑफिसर्स हैं। हमारा सामना ऐसे ट्रैफिकर से है जो सैकड़ों हजारों किलो कोकेन स्मगल करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तैयार हो जाओ। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिस ड्रग्स को कैरिबियन से अमेरिका तक सबसे ज्यादा स्मगल किया जाता है वो है कोकेन। 2018 में अमेरिका में कोकेन जैसी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से 14,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। रुकिए। ए, आप कैसे हैं? अपना पासपोर्ट दिखाइए। आजकल नारकोटिक्स को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। जरा अपनी जेबें खाली करिए। पहले तो बैग खोलते ही उसमें हमें कोकेन के बंडल दिख जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो स्मार्ट हो गए। ये क्या है? साइड से चेक कर लो। ड्रग्स छिपाने का कोई तय तरीका नहीं है, पर अब स्मगलर्स इसे छिपाने का बेहतर तरीका अपना रहे हैं। आज हम ट्रिनिडाड की फ्लाइट्स देखने जा रहे हैं। सर, पासपोर्ट? ट्रिनिडाड नारकोटिक्स के लिए बदनाम है, तो हम इस फ्लाइट पर नजर रखते हैं। कैसी हैं आप? पासपोर्ट दिखाइए। जी। आप अकेली आई हैं? हाँ, ठीक है। यहाँ आने का मकसद? कपड़े खरीदने के लिए। आपकी कोई कंपनी है? एक स्टोर है। स्टोर है? स्टोर का नाम क्या है? स्टाइलिस्टिक 51। तो क्या आपके पास उसका कोई बिजनेस कार्ड वगैरह है? नहीं। अच्छा, आप कितने बैग्स लेकर आई हैं? मैं कोई बैग नहीं लाई हूँ। सिर्फ यही है? जी हाँ। तो यहाँ से कपड़े कैसे लेकर जाएंगी? मैं यहाँ से सूटकेस खरीद लूंगी। यहाँ आने का टिकट कब खरीदा? कल। कल? तो ये ट्रिप प्लान था? हाँ। और वापस कब जाएंगी? शुक्रवार। आप बात कीजिए इनसे। ओके। आपकी टिकट का पैसा किसने दिया? मैंने ही दिया। पक्का? ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं। आपने दिया, किसी और ने दिया? मेरी बेटी ने। तो आप बात छुपा रही थी? मेरी बेटी ने। तो पहले आपको इमिग्रेशन में लेकर जाएंगे, फिर आपको कस्टम्स इंस्पेक्शन से गुजरना होगा। होटल का रेंट आपने दे दिया है या नहीं दिया है? अभी तक तो नहीं। तो आप रेंट कब देने वाली हैं? आज रात वहाँ पहुँचने पर। ये लेडी जो भी कह रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सब झूठ लग रहा है। हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से काफी मेडिसिन होकर गुजरती हैं। काफी लोग कनाडा और मैक्सिको जाते हैं और वो किसी झोला छाप डॉक्टर से पर्चा लिखवा कर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद लेते हैं। जेनिक्स और वैलियम सबसे ज्यादा स्मगल होने वाली कंट्रोल मेडिसिन में शामिल हैं। ये सिरिंजेस किसी चीज से भरी हैं। पता नहीं ये कौन सी दवाई है। ऐसी मेडिकेशन जो FDA अप्रूव्ड नहीं होती हैं हमारे लिए बड़ी मुसीबत हैं। इस पर किसी और भाषा में लिखा है। लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या ले रहे हैं। वो सेल्फ मेडिकेट करते हैं और मर जाते हैं। अमेरिका में ओवरडोज की वजह से मरने वाले लोगों की मुख्य वजह के तौर पर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन हेरोइन और कोकेन से आगे निकल गई हैं। यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के Schedule 2 और Schedule 3 नारकोटिक्स भी आ रही हैं। और अमेरिका ऐसी ही चीजों को फिलहाल रोकने की कोशिश में है। आप कुछ बॉक्सेस को यहाँ ऊपर रखेंगे? जी। तो यहाँ जो भी सामान है जिसकी मैं जांच करने वाला हूँ वो आपका है और आप ही उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ सर। आपके पास कुछ प्लांट्स हैं? नहीं। फ्रूट्स? नहीं नहीं नहीं। $10,000 से ज्यादा की करेंसी? नहीं। वियतनाम से जो फैमिलीज यहाँ आती हैं उनके पास औसतन करीब 5 बॉक्सेस होते हैं।
मुझे आपके बैग्स की तलाशी लेनी होगी। मैं जब सर्च करूंगा तो आप येलो लाइन से पीछे खड़े रहेंगे। अचानक मेरी तरफ मत आइएगा। हमारे पास करीब 14 बॉक्स हैं। ये फिश केक्स लग रहे हैं, हाँ, और बहुत सारे हैं। ये क्या चीज है? फिश, फिश है। वही है। फिश, थोड़े काजू हैं। इन लोगों को फिश और स्क्विड जैसे अपने होम फूड बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोग कपड़े लाते हैं और दवाइयाँ, इस बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए। ये कोडीन है, इसकी मनाही है। ये शेड्यूल 2 नारकोटिक्स में आती है। नहीं, ये दवाई है। हमारे देश में जब मेरे पति को ज्यादा खांसी हो जाती है तो यही दवाई देते हैं, इससे वो ठीक हो जाते हैं, इसीलिए हमने ये खरीदी है। ये रही और एक, और एक। आप तो ये दवाई बहुत ज्यादा ही लाई हैं। कितनी दवाइयां खरीदी आपने? कितने बॉक्स खरीदे? किस चीज के? कोरीन के। बस यही है। बस यही है? सभी खांसने लग गए, कमाल हो गया। तो ये ओवर द काउंटर खरीदी गई दवाइयां हैं। ये डर्मेटाइटिस के लिए है, पर फिलहाल मुझे इन्हें लेकर चिंता हो रही है। मैंने अपने लिए सिर्फ एक खरीदी है, इनमें से एक मेरे फ्रेंड के लिए और ये है बहन के लिए। उसने अपने लिए ये खरीद कर लाने को कहा था। ओके, चलिए मैं इन्हें चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है नियोकोडीन, लेकिन हम इसका टेस्ट करेंगे पहले और पता लगाएंगे कि असल में ये क्या है। ये 500 मिलीग्राम की हैं। अच्छा, होमस्टेड, फ्लोरिडा। मुझे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं है। HSI को यॉट के कैप्टन की घर की निगरानी करते हुए तीसरा घंटा शुरू हो गया है। प्लान ये था कि उसके घर से बाहर निकलने तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमने उसे बाहर निकलते देखा नहीं है और उसकी गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है, तो अब हमने ये फैसला किया है कि उसके घर जाकर ही उसे गिरफ्तार करेंगे। हम बस अब एक हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो घर के पिछले हिस्से को कवर कर ले। मुझे ये काम करते हुए करीब 16 साल हो गए और मेरा मन कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर ये शख्स चाहता तो आराम से बोट में बैठकर बहामास निकल जाता और हमें पता भी ना चलता। ओमाहा, हमारी तैयारी बस पूरी हो चुकी है। कुछ ही सेकंड में मैं आपको ऊपर से उसके घर की खबर देता हूँ। बढ़िया, अब हम इस सस्पेक्ट से कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। मैं उसे देख पा रहा हूँ। गुड कॉपी, स्टैंडिंग बाय। ठीक है, हेलो। हेलो, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? बाहर आइए, बाहर आ जाइए। वो घर में नहीं है। कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो कल रात बाहर गए थे लेकिन वापस नहीं आया अभी तक। बताइए क्या बात है? घर में कितने लोग मौजूद हैं? फिलहाल तो घर में मेरी आंटी और मेरा कजन है। पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड काम पर गए हुए थे और अब मेरी माँ गई हुई है। अच्छा जी, उन्हें बाहर बुलाएंगे प्लीज। हाँ, अभी बुलाता हूँ। दरवाजा बंद मत करो। आप जरा बाहर आएंगी मैडम? इधर खड़ी हो जाइए। घर के अंदर कोई हथियार वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई हथियार नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है। अंदर और कोई नहीं है? नहीं। ठीक है, अब हम अंदर जाकर चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे, आपके पास सर्च वारंट है? हाँ, हमारे पास वारंट है। वेंडल घर पर नहीं है? मुझे घर में वेंडल नहीं मिलेगा ना, आप यकीन से कह रहे हैं? वो घर में है क्या? कुछ पता है कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। किसी को नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं तो अच्छा, और मैं कल रात ही यहाँ पर आया तो मैं आते ही सीधा सो गया था। बेडरूम कहाँ है तुम्हारा? मेरा बेडरूम यहीं साइड में ही है। अच्छा, और मेरे पेरेंट्स का बेडरूम वो दूसरी साइड पर है। ऊपर है या नीचे? नहीं, ये एक ही मंजिल का मकान है।
ठीक है तो फिर चले। हाँ हम पुलिस से हैं। ध्यान से, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। ए, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। होमस्टेड फ्लोरिडा। एच एस आई उस यॉट कैप्टन के घर की तलाशी ले रही है जिस पर स्मगलिंग का आरोप है। ए, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। मैंने इसे पकड़ लिया। हमारे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है। रॉजर आप लोग जा सकते हैं, मदद के लिए शुक्रिया, हमने एक को गिरफ्तार कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। यहीं पर रहना, ओके? दरवाजा बेटे ने खोला, पूछा तो कहने लगा डैड घर पर नहीं है। हमने कहा हम तो तलाशी लेंगे, वो बोला उसके डैड घर पर नहीं है, वो तो कल रात ही निकल गए थे। हम घर के सबसे पिछले बेडरूम में गए तो वहाँ ये कोने में छिपा बैठा था और हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब हम इसे ऑफिस ले जाएंगे। ये सब कुछ बड़े आराम से हो गया, सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, कोई घायल भी नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर ऑपरेशन कामयाब रहा। कैप्टन ने मान लिया कि वो 5 किलो या उससे ज्यादा कोकेन चोरी छिपे लाया था। वो सजा सुनाए जाने का इंतजार कर रहा है। यहाँ मरीन स्मगलिंग एनवायरनमेंट में हम अब भी काम कर रहे हैं और उन लोगों को पहचानना जारी रखेंगे जो अमेरिका में कोकेन के अलावा दूसरे वेसल्स और लोगों को ला रहे हैं और स्मगलिंग से जुड़े दूसरे काले धंधों को चलाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। मुझे भी एक कॉल आई है कि हमारी यूनिट को एक और इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में सर्च वारंट मिला है। इस मामले में भी कैरिबियन से बोट्स के जरिए कोकेन स्मगल की जा रही है, तो अब हम एक ज़्यादा बड़े एक्शन की तैयारी करेंगे जो कि शुरू होने वाला है। एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीबीपी ने उन दवाओं की जांच की जो एक वियतनामी फैमिली बिना प्रिस्क्रिप्शन की लाई थी। हमने इसे टेस्ट किया और ये वाकई दवाई है। ये है नियोकोडीन और ये एक डेरिवेटिव है कोडीन का, जिसे इस्तेमाल करते हैं लेबनान और वियतनाम जैसे इस चीज को बनाने वाले दो देश। इन्हें हेम्प और मैरिजुआना के डेरिवेटिव जैसा प्रोडक्ट कह सकते हैं, तो ये गलत है। हाँ, इसलिए मैंने इन्हें आराम से समझा दिया है कि पहली बार छोड़ दिया, आगे से भूल कर भी मत करना ये। मैं ऐसी चीजों को दोबारा अमेरिका में मत लाना, समझ गई ना? यस सर। मैं बताना चाहूंगी कि अगली बार जब कोई वहां जाएगा तो उन्हें ये सब लाने के लिए मना कर दूंगी। okay. अगर मेरे लिए लाए भी तो एक से ज्यादा ना लाएं। अब मैं समझ गई। पक्की बात? मैं आपसे वादा करती हूं। कभी नहीं, कभी नहीं। चलो ठीक है, आज के बाद ये और नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलो आपका बाकी का दिन अच्छा रहे। हम इन्हें रिलीज कर रहे हैं, लेकिन अगली बार जब ये अमेरिका आएंगे तो हम इन चीजों की जांच करेंगे। इन्हें वार्निंग दे दी गई है और अगली बार अगर ऐसा कुछ मिला तो पेनल्टी भी लगेगी और चीजें भी जब्त कर ली जाएंगी। मैं माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, कुछ लोग ये सब नहीं जानते तो उन्हें माफ करना पड़ता है, लेकिन कुछ जानते हैं और वो बार बार ऐसी चीजें लाते हैं। एक दिन मैंने एक चीज को टेस्ट किया जो कि सल्फ्यूरिक एसिड निकली, यानी आप एक ऐसी चीज खरीद कर देश में ला रहे हैं जो किसी की जान ले सकती है। हमें तो अमेरिका को बचाना है, हमारा काम यही है और मैं ये दिल से करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीबीपी ऑफिसर संदिग्ध ट्रैवल पैटर्न वाले पैसेंजर की जांच करते हैं। तो ये आपका बैग है? इसके अंदर सब कुछ आपका है? जी। जरा अपनी जैकेट दीजिए, इनका सामान बहुत बेढंगे तरीके से रखा हुआ है, तो मैं इनसे जरा खुलकर पूछताछ करूंगी ताकि पता चल सके कि सच्चाई क्या है।
तो बताइए कि आप यहाँ कितने के कपड़े खरीदने वाली हैं? आज 2.25 लाख के। पर आपका होटल का भी तो रेंट देना है। करीब 1.5 लाख रुपए खर्च कर लूंगी। और ट्रांसपोर्टेशन भी? ट्रांसपोर्टेशन, फूड। हाँ ठीक है। अच्छा बताइए आपके पास कैश कितना है? 37,000 कैश और 1.5 लाख कार्ड में। तो आपको पक्का पता है कि आपके क्रेडिट कार्ड में 1.5 लाख का बैलेंस है? हाँ। अब देखिए, इतना बैलेंस नहीं निकला तो आपकी बात झूठ निकलेगी। ये बात झूठ नहीं है क्योंकि मैंने अपनी बेटी से ट्रांसफर करने को कहा था। ये कार्ड रीलोडेबल है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। यहाँ बहुत से ऐसे पैसेंजर्स आते हैं जिनकी यही कहानी होती है। ये अमेरिका से सामान खरीदकर अपने देश में बेचते हैं, लेकिन ज्यादातर इन पैसेंजर्स का एक प्लान होता है। और ये सिर्फ एक दिन के लिए आई है। आमतौर पर अगर कोई आता है तो 3-4 दिन के लिए आता है, क्योंकि एक दिन में वो सामान नहीं मिला तो आपको खाली लौटना होगा। तो फिर आपकी ट्रिप का मकसद क्या हुआ? तो हमें पक्का करना होगा कि ये सच कह रही है, क्योंकि पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं। पैसेंजर्स ने हमें ऐसी ही कहानी सुनाई और फिर बाद में उनके पास कोकीन बरामद हुई। इनके मुताबिक इन्होंने होटल का रेंट नहीं दिया, इनके पास 37,000 कैश है और ये कह रही हैं क्रेडिट कार्ड में भी पैसा है। इससे बात बनेगी? ये तो डेबिट कार्ड जैसा है। ये गिफ्ट कार्ड है। हाँ। इसे शॉपिंग में डिस्काउंट मिल जाता है। नाम क्या है इनका? यही इनका नाम है? नहीं, ये तो अलग नाम है। करीना लिखा है, करीना। ये तो इसे यूज नहीं कर पाएंगी। यानी कुछ ऐसा है जो वो हमें बताने रही है या फिर सब झूठ है? चलो इन्हें पैट डाउन रूम ले चले। हाँ, आप अपना सामान समेट लीजिए और फिर हमारे साथ आइए। मैं इन्हें ले जा रही हूँ प्राइवेट रूम में पूछताछ के लिए, ताकि कुछ और पता चले और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपकी तलाशी लूंगी। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपकी बेटी का नाम क्या है? करीना। तो ये डेबिट कार्ड उसी का है ना? हाँ। CBP इस पैसेंजर से अमेरिका में खुद को सपोर्ट कर पाने का कोई जरिया ना होने पर सवाल करती है। ये कुछ ज्यादा ही शांत है। जाहिर है वो ये सब पहले भी झेल चुकी हैं। इनकी पहले भी तलाशी ली गई है इसी तरह रूम में बिठाकर। इनके मुताबिक ये जूते बेचती हैं और बताया कि पिछली बार ये यहाँ 3 महीने रुकी थी, तब भी जूते लेकर जा रही थी और वो नए लग रहे थे जो वो अपने देश में जाकर बेचती, तो वो इसलिए यहाँ पर ठहरी थी। लास्ट मिनट में टिकट खरीदी, कम आमदनी। ऐसा करते हैं, इनकी बेटी को फोन लगाते हैं, देखते हैं कहानी क्या है। अगर कहानी बेसिर पैर निकली तो कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे अपनी बेटी का नंबर दीजिए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, इंतजार कीजिए। फोन नहीं उठा रही है। फोन चेक करते हैं, क्या पता उसमें कुछ मिल जाए। हाँ। इस फोन में बस 3 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अब क्या करें? मुझे देखना है कि क्या वो कल वापस लौटती हैं। हम निगरानी करेंगे और देखेंगे कि इनके पास से कुछ निकलता है या नहीं। अगर नहीं निकलता तो मतलब वो पैलेट्स को पहले ही बाहर निकाल चुकी हैं, या फिर वो कैश निकाल रही हैं। मेरे पास अरेस्ट करने लायक सबूत नहीं है, पर जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे इनसे मिली मैं उससे वेरीफाई नहीं कर पाई। इस तरफ आइए। तो अब मैं ये ध्यान रखूंगी कि जब ये वापस ट्रिनिडाद जाएंगी तो उनके साथ उनका सामान भी हो। मेरी नज़र आप पर रहेगी, ठीक है? मुझे पक्का करना है कि आप कल लौटेंगी। अगर वो नहीं लौटी तो इसका मतलब वो झूठ बोल रही। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। CBP बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां ले जाने वाले पैसेंजर्स की तलाश में है। आज मेरी ड्यूटी सैंटियागो की फ्लाइट पर है जो आधा घंटा पहले लैंड हुई है। अपना पासपोर्ट दिखाएंगे प्लीज। जमैका से भी ड्रग्स की स्मगलिंग यहां पर काफी ज्यादा होती है। आपके बैग्स की चेकिंग हो गई? आपको जेंडर, रेस, एज का फर्क नहीं करना होता। हो सकता है कोई सीनियर सिटीजन व्हीलचेयर में ड्रग्स ला रहा हो। अब मैं आपके बैग की जल्दी से तलाशी ले लेता हूं, उसके बाद आप जा सकते हैं, ठीक है? इस तरफ आइए। क्या आपकी पहले कभी ऐसे जांच हुई है? नहीं। मैं इनमें से एक खोलने वाला हूं, ये क्या है? अरे बाप रे, जरा इधर आना तो। वाह, ये सब क्या है? हमारे एक ऑफिसर को बॉक्सेस और केसेस मिले। ये सब तो एंटीबायोटिक्स हैं। ये तो बहुत सारी पिल्स हैं। ये है सियालिस और ये है एंटीफ्लू। ये टाइलेनल जैसी है और यहाँ ये वायग्रास भी हैं।
हर तरह की वायग्रास, लिक्विड वर्जन, पिल वर्जन, इंजेक्टेबल वर्जन, मसाजेबल वर्जन, ये सभी डोमिनिकन रिपब्लिक में बनती हैं और बेची जाती हैं। जरा इसका टेस्ट करो, देखो तो क्या आता। मुझे एक पिल दो। सिल्डेनाफिल को ये मशीन जल्दी से डिटेक्ट कर लेती है। वाह, इसका तो नाम भी नहीं है, मशीन इसके बारे में नहीं बता पा रही। पक्का ये नकली है। काउंटरफिट पिल्स लेते वक्त आपको पता नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं। इसमें फेंटेनिल हो सकती है और फेंटेनिल आपके शरीर के लिए जानलेवा होती है। इन सभी दवाइयों को FDA इजाजत नहीं देती, तो हम लोग इन सभी दवाइयों को जब्त करेंगे। मुझे लगता है उस लेडी ने व्हीलचेयर को एक एक्सक्यूज के तौर पर यूज किया, उसने बड़ी उम्र का फायदा उठाना चाहा, लेकिन ऐसे में आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और आपके स्टेटस के मुताबिक हमेशा के लिए आपको अमेरिका में घुसने से बैन भी किया जा सकता है। मायामी, फ्लोरिडा। HSI संदिग्ध ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। हमें खबर मिली है कि वेसल्स के जरिए बहामास से कोकेन को स्मगल किया जा रहा है। यहाँ मायामी एरिया में एक ट्रेलर से इसकी बिक्री हो रही है। इस ट्रेलर में कोई भी रहता नहीं है और इसका इस्तेमाल सिर्फ नार्कोटिक्स की बिक्री के लिए किया जाता है। तो हम फिलहाल उसी जगह पर जा रहे हैं ताकि एक नार्कोटिक्स सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कर सकें। ये घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ काफी गैंग एक्टिविटीज चलती रहती हैं और यहाँ के लोग काफी वक्त से मारामारी करते आए हैं, उन्हें आदत है। हमें यह भी पता चला है कि इन लोगों के पास हथियार हो सकते हैं, इसीलिए हम HSI की मायामी स्पेशल रिस्पांस टीम को भी साथ ले जा रहे हैं। हम यहाँ पर हर किसी को सुरक्षा देने आए हैं, हमारे यहाँ होने की बस यही वजह है। स्टैंड बाय वन। रोजर दैट, हमें बताते रहना, हेलीकॉप्टर भी आ गया है। क्या सब तैयार है? सब तैयार है, हम शुरू कर सकते हैं। कॉपी दैट। लोकेशन पर पहुंच रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी आ गया है। ठीक है, ये वही है, चलो चले एग्जीक्यूट। चलो आगे बढ़ो। चलो चलो आगे बढ़ो। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। वो पीछे से भाग गया। चलो चलो उधर से पकड़ो उसे। चलो आगे बढ़ो। मायामी, फ्लोरिडा। HSI संदिग्ध ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। शुरू करो। चलो आगे बढ़ो। पुलिस, पुलिस। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। चलो चलो आगे बढ़ो। वो पीछे से भाग गया। पकड़ो उसे। चलो आगे बढ़ो। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। वो बांस फांस के भाग रहा है। हाथ ऊपर करो, मेरी तरफ आओ, धीरे धीरे। पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया, वो अब हिरासत में है। सब लोग ठीक हैं? हाँ। एक शख्स उस घर की निगरानी कर रहा था, वो वहां से भाग गया लेकिन आगे सड़क पर उसे पकड़ लिया गया। ऑपरेशन बिल्कुल हमारे मन मुताबिक ही रहा है, जैसा हम चाहते थे। उसने बाड़ फांद कर भागने की कोशिश की पर हमने उसे पकड़ लिया। उसकी तरफ से किसी के लिए कोई खतरा पेश नहीं आया तो हम सुरक्षित ढंग से ये सब कर पाए। इस शख्स ने बाड़ फांद कर भागने की कोशिश की थी तो हमने रेडियो पर यह खबर भेज दी और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी सर्च टीम अब लोकेशन को चेक कर रही है, वो नार्कोटिक्स, फायर आर्म्स जैसे सबूत ढूंढ रही है। तो मेरा मानना यह है कि हमारा ये ऑपरेशन बहुत ही बढ़िया रहा है। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। CBP ऑफिसर्स इस इंतजार में है कि ये संभावित लेडी स्मगलर कब अपने देश ट्रिनिडैड की फ्लाइट पर रवाना होती है। गुड मॉर्निंग। एक दिन पहले मैंने करेबियन से आ रही एक फीमेल को रोका था। उन्होंने बताया था कि वो कपड़े खरीदने आई हैं। ट्रिनिडैड में उनका एक स्टोर है और बताया था कि वो आज लौटेंगी। वो दिखाई दी? अभी तक तो नहीं। फिलहाल एक इंस्पेक्शन चल रहा है, मैं ये पक्का करना चाहती हूँ कि वो अपना सामान लेकर वापस लौट जाए। अगर वो नहीं जाती तो हमारे लिए दिक्कत है, अगर वो सामान के बिना जाती है तो और बड़ी दिक्कत है। हो सकता है उसने पैलेट्स निकाल दिए हों।
हो रही। लव वाली ब्लू शर्ट में। हाँ देख गई। हाँ दिख गई। हेलो, हाय मिस, अपना पासपोर्ट दिखाइए प्लीज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। फैमिली के साथ हैं? नहीं नहीं। आपके सामान की जांच करनी होगी। क्या इस बैग को भी खोलकर चेक करेंगे? जी ठीक है। आपके ट्रिप का मकसद क्या है? मेरा एक स्टोर है और मैं उसके लिए कपड़े खरीदने आई हूँ। ओह, आप अमेरिका में कब दाखिल हुई? थर्सडे। यानी कल? सिर्फ एक दिन? ये तो शॉपिंग के लिए कम वक्त है, बहुत ही कम। और अमेरिका में आते वक्त आप अपने साथ कितना पैसा लेकर आई थी? 37,000 रुपए थे। ओह अच्छा, तो आप कितना पैसा वापस ले जा रही हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सारा पैसा खर्च कर दिया? हाँ, सारा खर्च कर दिया। ओह बहुत बढ़िया। तो ये नया सामान है या पुराना? नया सामान। नया सामान? हाँ, ओह हाँ। अच्छा, आपके पास इस सामान की रसीद वगैरह है? हाँ है। अच्छा बहुत बढ़िया। बैग्स की तलाशी लेने के बाद पता चला कि वो सही मकसद से आई थी, तो अब हम इस पैसेंजर को जाने देंगे। इनके मामले में नेगेटिव ज्यादा थे, पॉजिटिव कम थे, पर मैं इन पर नजर बनाए रखूंगी और इनसे बातें करती रहूंगी। क्या पता मेरा शक सही निकले। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय। आप अपने साथ क्या क्या लेकर आई हैं? बस यही है। किसी ने आपको कुछ लाने के लिए दिया है? आप एक साथ हैं? जी हाँ। ठीक है, मेरे साथ आइए बैग चेक करने। कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं? नहीं। ये इतना भारी क्यों है? अजीब बात है। आप पहनते हैं इन्हें? हाँ। मुझे इनका एक्सरे करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है सवेड्रा। देख रहे हो कितना डार्क है ये? हाँ, और मोटा भी है। हाँ, डेंस बहुत ज्यादा है। डेंस भी है और सोल से अलग भी है। हाँ, इसमें कुछ है। हाँ लग तो रहा है। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो चेक करते हैं। सीबीपी ऑफिसर्स पैसेंजर के जूते के सोल की जांच कर रहे हैं, शायद सोल में ड्रग्स हो। ये देखो व्हाइट पाउडर, इसकी गन से बता सकता हूँ कोकेन है। ये जूते का सोल है और इसमें ये पीला पैकेट छुपाया गया है। टेस्ट किट लाओ। ये तो बहुत थिक है। लो हो गया। ब्लू मतलब कोकेन है। अब हम तुम्हें दूसरे एरिया में ले जाकर और जांच करेंगे। क्या तुम्हारी वाइफ जानती है इस बारे में? नहीं। हमसे कोई झूठ मत बोलना। क्या तुम्हारी वाइफ को पता है? हाँ उसे पता है। अच्छा हाँ। तो वो इतनी मासूम क्यों बन रही है? मुझे नहीं मालूम। सिर्फ तुम्हारे जूतों में ही ड्रग्स है या फिर कहीं और भी छुपाई हुई है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं है। और नहीं है? अच्छा। दोनों जूतों का वजन करते हैं। जूते बड़े हैं, देखो कितने चौड़े हैं। जूतों और कोकेन का कुल वजन है लगभग 1.5 किलोग्राम। सिर्फ कोकेन का वजन 546 ग्राम, कीमत करीब 12 लाख रुपए। वाओ, इसकी बदबू तो जबरदस्त है। ओह माय गॉड, सरसों जैसी अजीब स्मेल है। ये हमारा रोज का काम है, चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। मेरे साथ आओ। ड्रग्स एक को मिलती है, बाकी सब हेल्प करते हैं। अपना अंगूठा यहाँ लगाइए। ये मेहनत का काम है, कई बार कुछ निकलता नहीं है, पर जब निकलता है तो अच्छा लगता है। मेरे साथ आओ। मेल सस्पेक्ट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
वो बेचने के मकसद से कोकेन को अमेरिका लाया था। उसे 18 महीने कैद की सजा हुई। पता लगने पर कि फीमेल सस्पेक्ट ने अपने पति को ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए मना किया था, उसके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीबीपी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस के लिए इंटरनेशनल मेल फैसिलिटी की जांच कर रही है। हाल ही में हमने ये देखा है कि लोग डार्क वेब से काफ़ी चीज़ें खरीदने लगे हैं। लोग वहाँ से फेंटेनिल ऑर्डर करते हैं। आजकल प्रिस्क्रिप्शन पिल्स की तरफ रुझान काफ़ी बढ़ रहा है और हम हर उस चीज़ को आने से रोकेंगे जो अमेरिका में नहीं आनी चाहिए। ओके, टेस्ट कीजिए इन्हें। ये सामान कल देर रात में आया था। हम इसकी रूटीन स्कैनिंग कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। सब ठीक है? हाँ। रुक जाओ, वो चेक करो। देखो ये पिल्स हैं। ये चीज किताब जैसी लग रही है। इस पर लिखा है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। ये दिखने में सप्लीमेंट्स जैसे लग भी रहे हैं, पर कई मामलों में ये सप्लीमेंट्स सही नहीं होते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ है। शायद ये एल्प्रेजोलैम है, जिसे जेनेक्स के तौर पर बेचते हैं। बार की शेप से ही पता चल रहा है कि पिल्स की मात्रा काफ़ी है। इसमें शायद 10,000 या 15,000 पिल्स होंगी। अगर ये सही होती तो इन पर कुछ मार्किंग्स होती और पिल्स इस तरह लिफाफे में नहीं होती। इस तरह के पिल्स काफ़ी आने लग गई हैं, लोग इसके आदि हो जाते हैं। और ये शायद किसी के लिए प्रेस्क्राइब नहीं की गई हैं, ये काम खुद के लिए किया जा रहा है। पता नहीं होता कि कब आपके हाथ क्या लग जाए। अब मैं इनका वजन कर लेता हूँ ताकि पता चले ये कितनी मात्रा में हैं। 3 किलो 400 ग्राम। ये पिल्स बहुत ज़्यादा हैं और इनका दाम भी बहुत ज़्यादा है। लोग इतनी तादाद में पिल्स नहीं मंगवाते। कोई आम आदमी एक साल में इतनी पिल्स इस्तेमाल नहीं करता, तो इसलिए हमें अपने HSI एजेंट से कांटेक्ट करना होगा ताकि वो इस केस की आगे जांच पड़ताल कर सकें। मायामी, फ्लोरिडा। गिरफ्तारी के बाद HSI ने सस्पेक्ट के ट्रेलर का सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ मिला है क्या? हाँ, इसमें से 1 किलो से ज़्यादा कोक, बैगीज, कैश और स्केल्स मिले हैं। अच्छा, कितना कैश होगा? करीब 45,000 रुपये। 45,000? अब भी गिन रहे हो? हाँ। अच्छा, ये भी क्रैक है? ओके, ये भी क्रैक है। पता नहीं ऐसे और कितने बैग हैं। 5 बैग्स हैं और ये खुली भी है। और वो शख्स अब भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है ना? हाँ, अभी तक तो नहीं। अच्छा ठीक है, पर कोई बात नहीं। इतनी सारी ड्रग्स उसके पास से निकली है कि अब शायद उसे ये लगेगा कि चुपचाप हमें सब कुछ बता ही दे। इस शख्स के पास से 1 किलोग्राम कोकेन, क्रैक के 5 बैग और मैरुआना मिला, जिसका दाम होगा करीब 22.5 लाख रुपए। इस इलाके में 22.5 लाख रुपए की ड्रग्स थी और उसे लोगों को बेचा जा रहा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसे एक फेडरल केस बनाएं। हम ज़्यादा बड़े नेटवर्क को पहचानने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाएंगे और इससे जुड़े मुजरिमों को सज़ा भी दिलवाएंगे। बढ़िया काम किया। हाँ, सच में कमाल कर दिया। यहाँ रहने वाले लोग आज सुकून से सोएंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि अब ये लोग मायामी के लोगों को इतनी सारी ड्रग्स नहीं बेचेंगे। इस शख्स पर गिरफ्तारी का विरोध करने और बेचने के मकसद से ड्रग्स अपने पास रखने का आरोप लगा। ये मुकदमे का इंतजार कर रहा है। क्रिमिनल चार्जेस अक्सर कम या हटा दिए जाते हैं। इस प्रोग्राम में दिखाए गए लोग गुनाह साबित होने तक बेगुनाह हैं।